हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटनेस यूट्यूब चैनल। कैटनेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अर्शिया। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था टैली प्राइम में कैसे हम कॉस्ट सेंटर और कैश कैटेगरी में कैसे लेजर्स प्रिपेयर करते हैं। लेजर्स प्रिपेयर करने के बाद उसी लेजर्स में कैसे हम कैटेगरी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम कैटेगरी मेंटेन कर रहे हो तो उसके साथ ज़रूरी है कि आपको कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना। कॉस्ट सेंटर मेंटेन करने के लिए आपको कॉस्ट कैटेगरी के नीचे ही जाना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर रहेगा, उसको ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैंने कॉस्ट कैटेगरी लिया था फर्नीचर, तो मैं इधर पे फर्नीचर ऐड कर रही हूँ। अभी आपको ऐड करना है फर्नीचर में कॉस्ट सेंटर, तो मैं फर्नीचर में ले रही हूँ ऑफिस टेबल्स। ऑफिस टेबल्स के साथ आपको फुल एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ऑफिस टेबल्स के बाद मैं ले रही हूँ ऑफिस चेयर्स, एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको लेना है कंप्यूटर टेबल्स। आपको जो भी सेंटर ऐड करना है वो सेंटर आप ऐड कर सकते हो। मैं इधर पे ये सेंटर ऐड कर रही हूँ कंप्यूटर चेस। तो मैंने क्या किया, फर्नीचर का कॉस्ट सेंटर इधर पे ऐड कर लिया है। टोटली मैंने 4 कॉस्ट सेंटर लिए हुए हैं, कंप्यूटर टेबल्स, कंप्यूटर चेस, ऑफिस टेबल्स, ऑफिस चेस। तो बैक स्पेस दीजिए। बैक स्पेस देके इधर पे ही मैं कंप्यूटर भी ले रही हूँ। कंप्यूटर में इधर पे मैं ऐड कर रही हूँ डेल, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और भी आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो इधर पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं इधर पे ऐड कर रही हूँ सैमसंग, एंटर कीजिए। फ्रॉन्टेक, आपको जो भी कंप्यूटर का नेम लगाना है आप इधर पे लगा सकते हो। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उसी कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को लेके हम ट्रांजैक्शंस कैसे बनाएंगे। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कैसे लेजर्स प्रिपेयर करना है, उसी लेजर्स में कैसे कैटेगरी को मेंटेन करना है, कैटेगरी मेंटेन करने के बाद कॉस्ट सेंटर कैसे लगाना है। आज मैंने आपको बताया कैसे कॉस्ट सेंटर लगाना है। कॉस्ट सेंटर लगाने के बाद उसी में हम कैसे ट्रांजैक्शंस करेंगे मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।